अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको डाइहत्सु मूव मीरा और टोयोटा पासो की जो कीलेस एंट्री आती है जिसमें इमोबिलाइजर भी लगा हुआ होता है उसके बारे में कुछ मालूमात दूंगा। पहली चीज़ ये है कि ये कीलेस एंट्री के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप इससे अपनी गाड़ी खोल सकते हो और लॉक भी कर सकते हो, और अपनी आपकी जो गाड़ी होती है वो ये अगर आपकी गाड़ी के अंदर होए या गाड़ी के करीब होए इग्निशन के, तो आपकी फिर गाड़ी स्टार्ट भी होती है इसी तरीके से। इस सिस्टम के अंदर एक मसला हो सकता है कि अगर आपकी इसके अंदर बैटरी ख़त्म हो जाए और उस टाइम पे आपका बैटरी ना होए, तो इसके अंदर एक की भी इन्होंने दी हुई है, एक चाबी भी है एक्स्ट्रा इसके अंदर नीचे ही लगी हुई है। इसके ये बटन आप दबा के ना इस चाबी को खोल सकते हैं, इसको जिस तरह आपको मैं दिखाऊँगा। अभी ये चाबी बाहर आ गई है और ये वाला बटन है, आपने इसको दबा के खोलना है। बस आपने ये ज़रूरी देखना है कि आपके पास चाबी हमेशा इसकी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, इसका सेल ख़त्म हो जाए तो आप चाबी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी चाबी खोल दी है इसकी और अभी मैं इसका सेल निकाल दूँगा कीलेस एंट्री के अंदर से। ये सेल जो होता है ये इसके अंदर चलता है और इससे आपकी गाड़ी खुलती है, बंद होती है और स्टार्ट भी होती है। खुदा ना खास्ता अगर ये सेल आपका ना अंदर होए, तो मैंने आप सेल निकाल दिया बाय ये ऊपर वीडियो इस पर क्लिक करें सेल निकालने की वीडियो देखने के लिए। सेल निकल आया है। अब ये रिमोट जो है आपका, आप इसका इसके बटन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सेल बार पड़ा हुआ है। और ये स्पेयर चाबी है जिससे मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगा। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपके पास नहीं होगी तो मसला होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़ा खोल के इसका चाबी के साथ। चाबी के साथ आप जैसे ही इसका दरवाज़ा खोलेंगे, अनलॉक करेंगे, तो दरवाज़ा खोलने के बाद इसके डबल इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे और कुछ देर वो डबल इंडिकेटर चलेंगे, उसके बाद आपका अलार्म बज जाएगा। उससे पहले आप अपनी गाड़ी के साथ वो स्टार्ट कर लें। इंडिकेटर्स ऑन हो गए हैं और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। करीब लेके जाएं इसके, आपकी आवाज़ बंद हो गई है और ये आपकी गाड़ी ऑन पोजिशन पर आ गई है। ब्रेक पेडल दबा के तो उसको स्टार्ट कर दें। जिस तरह आपने इसको स्टार्ट किया था उस तरह आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आप इसका सेल या तो बदल लें या तो नया डाल लें। सेल डालने के बाद आप रिमोट को जिस तरह पहले इस्तेमाल कर रहे थे उस तरह कर सकते हैं। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।